आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं फॉर एडमिन मास्टर बिजनेस हूँ और मैं यहाँ का प्रिंसिपल निर्गुणा माता का प्रिंसिपल हूँ। सर एक हादसा हुआ था कि हादसे में आपने कुछ बच्चों को डांटा था क्योंकि उसने भारत माता की जय और जय हिंद जैसा कुछ वर्ड्स जो रिस्पेक्टेबल है वो बोले थे, तो ये पूरा मामला क्या है? ये मामला 5 सितंबर को जब हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन था तब हुआ था। हर प्रोग्राम के बाद मैं मानता हूँ और मैं रिस्पेक्ट मेरे भारत माता को देता हूँ। हमारा राष्ट्रगीत गीत का गायन होता है, हम राष्ट्रगीत गाते हैं हर प्रोग्राम के बाद, और कभी भी किसी बच्चों ने कभी भी ऐसा दूसरा कुछ स्लोगन वगैरह कभी नहीं किया था। उस दिन हमारे पीछे 10वीं के बच्चे खड़े थे और राष्ट्रगीत होते समय भी वो लोग साधन में नहीं थे, पीछे आवाज कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये है, जब राष्ट्रगीत होने के बाद बच्चे बैठे तब किस बच्चे ने माने ये मौके रही है गलत से वो स्लोगन बोला भारत माता की जय, वो भी मुँह पे हाथ रख के। मुझे वो बुरा लगा क्योंकि इसी ऐसे जब हम ऐसे स्लोगन वगैरह देते हैं तो वो बराबर नहीं है, और हम ये यह शिक्षा हमारे स्कूल में नहीं देते क्योंकि हम भारतीय हैं और मैं भारतीय हूँ, और अगर मेरे भारत माता को ऐसा कोई गलत से मान देता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं जब भी नेशनल एंथम हम गाते हैं बच्चों को सूचना देता हूँ हम सावधान में होना चाहिए, कोई हलचल वगैरह नहीं होना चाहिए या वहाँ नहीं देखना चाहिए, वो रिस्पेक्ट मैं देता हूँ। और बच्चों को बोलता हूँ जब हम राष्ट्रगीत गाते हम हमारे भारत माता को रिस्पेक्ट देते हैं, और वो जब स्लोगन बोला तो मैंने वो बच्चे को डांटा। फिर कुछ मामला हुआ आपके अगेंस्ट में, कंप्लेंट भी हुई, आप पुलिस थाने भी बुलाया गया था? पुलिस थाने में नहीं सर, CWC DCP कचहरी, हाँ CWC ने मुझे बुलाया था और वहाँ पे वो मैटर डिस्कस करके हम लोगों ने वहाँ पे वो सॉर्ट आउट किया था, और सब मैंने सॉरी भी बोला क्योंकि मैंने बच्चों को डांटा था करके मैंने सॉरी भी बोला और मामला उधर ख़त्म हो गया था। CWC वाले ने मुझे बताया पर इसके बाद आप नहीं करना, मैंने बोला मैंने प्रॉमिस किया मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ। फिर अभी कुछ कलेक्टर मैडम ने आपके अगेंस्ट एक्शन लेने का बोला है और आपके अगेंस्ट में कुछ आवेदन भी दिए गए हैं राष्ट्र हिंदू युवा संगठन और ये सब ने? वो फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और नोटिस भी कुछ आया नहीं फिलहाल, अगर कुछ चल रहा है तो मुझे भी पता नहीं है और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, जब कोई मेरे पास आएगा कोई नोटिस वगैरह देखे तो मैं मेरा पुरावा देगा जो भी कुछ है मैं बताऊँगा। पूरे सिलसिले में आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे कुछ गलती नहीं हुई, आप इनोसेंट हो क्या, ऐसा है? नहीं, इनोसेंट माने मैंने बोला है जो जिस प्रकार से बच्चों ने वो स्लोगन दिया वो गलत था, वो मुझे बुरा लगा है क्योंकि उससे मैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकता था, मैंने नहीं माने बच्चे हैं मैंने उनको समझाया कि हमारे भारत माता को कैसे मान सम्मान देना चाहिए। सर खास बात की जाए तो आप पर एक आरोप भी लगा है कि आपने बच्चों को पीटा था, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, उनको से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उनको हाथ लगाए तो बरबन